मैंने पैदा किया और बेटा सिर्फ अपने पत्नी को देखता है। अगर आप अपने माँ को देखते हैं तो पत्नी को प्रॉब्लम होती है, जे यार शादी करके लाया है मुझे और सिर्फ माँ के गोद में ही सोया रहता है आदमी, माँ के लिए ही लगता है जो पैदा हुआ है, मेरे लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारे बेटे की तरह होती है, हमारा परिवार की तरह होता है, तो हम अपने परिवार में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और अभी फिलहाल आप लोगों को भी पता है कि मेरा थोड़ा सा ऑडियो एंगल थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, मैं गाने नहीं गा पा रहा हूँ, कम गा पा रहा हूँ किसी प्रॉब्लम के कारण। तो ठीक है, तो मेरे पास एक ही रास्ता है, सिनेमा, जिससे मैं अपने ऑडियंस का दिल जीत सकता हूँ, जिससे ऑडियंस का मनोरंजन करा सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब, इस जीवन में कौन ऐसा काम है जहाँ विवाद नहीं है? इस धरती पे आप देखिए, आप अपने परिवार में रहते हैं ना, तो उस परिवार में बेहतर करिए, चाहे कुछ भी करिए, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो आपके काम से वो खुश नहीं होगा। अगर आप अपने पत्नी को टाइम ज़्यादा देते हैं तो माँ को प्रॉब्लम होती है कि यार मैंने पैदा किया और बेटा सिर्फ अपने पत्नी को देखता है। अगर आप अपने माँ को देखते हैं तो पत्नी को प्रॉब्लम होती है जे यार शादी करके लाया है मुझे और सिर्फ माँ के गोद में ही सोया रहता है आदमी, माँ के लिए ही लगता है जो पैदा हुआ है, मेरे लिए मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो जब आप अपने परिवार में विवाद में रहते हैं तो ये तो समाज है, समाज में हर आदमी को आप आईना तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि संख्या ज़्यादा है ना। समाज क्या होता है, एक सामूहिक लोग होते हैं जिनमें हर आदमी को खेसारी प्यारा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि खेसारी के लिए जान भी दे देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खेसारी को कैसे जान ले भी लेते हैं, लेने वाली बात भी करते हैं। तो कोई जान देने की भी बात करता है, कोई जान लेने की बात करता है, तो हम उस विषय पे जाएंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, कोई मतलब नहीं है उसका। हम बेहतर करने की कोशिश करें, अपने आप जिसको समझ में आता है हमारी कॉन्सेप्ट, हमारी चीज़ें, तो हमें प्यार ज़रूर करेगा, हमारे विचारधारा को ज़रूर अपनाएगा। जिसको समझ में मैं नहीं आता हूं, और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमें गलत बोलने के लिए पैदा हुए, तो उनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास भाई, क्योंकि मैं अगर बेहतर में राम का पूजा भी करूँ ना, तो लोगों को ये लगेगा खेसारी वहाँ पब्लिक सिटी करने के लिए। तो आपको अगर किसी को गलत साबित करना है तो उसके लिए हजार परिक्रिया है जो आप उसको गलत साबित कर सकते हैं। ये तो हुआ ना सर कि पिछला बार आपका राम का गाना आया, रिलीज हुआ, इतना महंगा बजट, 800-900 पीछे बैकग्राउंड में डांस कर रहे हैं लोग, फिर उस पर सवाल खड़ा किया कि बागेश्वर बाबा से मिलके खेसारी अपना उस गाने को प्रमोट करने के लिए राम के नाम पे गाना गाया है, बागेश्वर बाबा पहुंचे, राम राम कर रहे हैं। पिछला मैं तो कहा था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। भाई राम किसी के बाप के हैं भाई, जब मैं नहीं करूँ, किसके पिताजी के हैं, किसने पैदा किया है राम को, हमारी आस्था है वो। आपने राम किसी के धरोहर नहीं है, हम सब हिंदुस्तानियों के धरोहर है वो, और हर हिंदुस्तानी किसी के कहने से राम का नारा नहीं लगाएगा। वो मेरे विचार में है, मैं आपके कहने से कुछ नहीं करूँगा, वो मेरे मन में है, वो मेरे दिल में है, वो मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है। तो मैं जैसे राम कहने में मुझे प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। और मैं अगर कह रहा हूँ, अगर किसी को लगता है, मान के चले खेसारी बागेश्वर धाम चले गए जी, तो लोगों को प्रॉब्लम हुआ जो खेसारी मैंने जाकर वहाँ प्रचार कर रहे हैं, तो मुझे मेरे कहने का मतलब कि अगर हमने राम का नाम लिया है तो एक राम भक्त के पास जाकर अगर उस चीज़ को हम कॉन्सेप्ट को डाल रहे हैं तो इसमें बुराई किस बात की है? तो इससे अगर देखा जाए तो फिर तो भाई मोदी जी भी गलते हैं, उन्होंने राम मंदिर बनाकर और खुद ही जाकर पूजा किया, तो ये कोई विषय नहीं हुआ भाई, ये कोई शब्द नहीं। सर एक क्लिप वायरल हुआ था आपका, आपने कहा था कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनना चाहिए, उससे अच्छा ये होता कि अस्पताल बन जाता। और एक और क्लिप वायरल हो रहा है कि कुछ लोग, कुछ नेता है जो अपने लिए अस्पताल नहीं बनाए हो तो कनाडा कहाँ कहाँ चले जाते हैं, वो क्या बनाएंगे अस्पताल लोगों के? इसमें गलत क्या था बताइए, वो जो आपने क्लिप देखा कि अस्पताल बनना चाहिए, वो मेरा आज से 8 साल पहले का क्लिप है। मेरे बेटे का मुंडन था रांची में, तो मैं गया था, तो उसी समय का प्रेम की पुजारण जो मूवी है वो यामी सिंह का, यामी सिंह के साथ आपकी पहली मूवी है, क्या लगता है कि आगे भी आप लोगों की जोड़ी फिर से किसी मूवी या गाने में आएगी? देखिए एज ए कलाकार हम लोग हर आदमी के साथ काम करते हैं, और यामिनी बेहतर एक्टर है नो डाउट, और अच्छी करती हैं वो, तो क्यों नहीं आएगा। इसके बाद मैं उनके साथ, मेरी 2 फिल्में और हैं, 3 फिल्में, गॉडफादर है उनके साथ ही है मेरा, एक और फिल्म मैंने की है उनके साथ, आपके अबैध किया है 2 फिल्में, तो 3-4 फिल्में तो यामिनी सिंह के साथ है ही मेरा, ऐसा नहीं। आपने कहा है भैया कि फिल्म के नाम से नहीं आ रहा है, अहम भूमिका यामिनी जी की हो सकती है। देखिए एक सिनेमा में भूमिका सिर्फ एक हीरोइन का ही नहीं, एक हीरो का ही नहीं, मुझे लगता है कि स्पॉट बॉय तक का होता है। एक फिल्म बनती है ना तो सिर्फ खेसारी लाल यादव ही उसमें हीरो नहीं होता है। मैं हीरो इसलिए हूँ कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुझे दिखाने के लिए, मुझे बड़ा करने के लिए इतनी सारी प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, स्पॉट बॉय हो, लाइट मैन हो,
हमारी खाना बनाने वाले से लेकर मैंने जितने भी लोग उसमें काम करते हैं, और सबसे बड़ा योगदान हमारी जनता का होता है कि हम एक प्रयास करते हैं, उस प्रयास को सफल बनाने में जनता का, आप सब जैसे भाइयों का, आप जैसे बहनों का योगदान होता है, तब जाकर एक बेहतर चीज लोगों को बेहतर लगती है। सर जैसे हर मूवी में सर एक सोशल मैसेज होता है, इस मूवी में ऐसा क्या सोशल मैसेज है सर? पहले ही बता देने तू कहा रहा हो मल्टीप्लेक्स का, वो देखिए मेरा, मैं एज ए एक्टर हमारे जो काम बताओ हम हम अभी एक्टिंग कर सकते नहीं, मल्टीप्लेक्स में ले जाएंगे। पुजारण का पवन सिंह प्रचार करेंगे कि नहीं, ये क्या ये कोई सवाल नहीं, प्रेम की पुजारण में उनके पास अपना काम इतना ज्यादा है कि मेरा क्यों प्रचार करेंगे भैया? रक्षा गुप्ता भी नजर आ रहे हैं भैया। लास्ट सवाल, आजकल देखा जाए तो प्रेम की जो परिभाषा है वो बदल चुकी है, कहीं ना कहीं आपका एक जो गाना है सुबह लव हो गया सांझ सब हो गया, युवा समझ नहीं पा रहे आज के प्रेम की परिभाषा को, इस मूवी से क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को, आज के युवा को? देखिए किसी के संदेश देने से कोई अपनाता नहीं है, आपके मन में अगर विचारधारा है, आपके मन में अगर प्रेम के प्रति प्रेम है, अपने लोगों के प्रति निष्ठा है, अपने लोगों के प्रति लगाव है, तो मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी माँ समझ में आती है ना, माँ का प्यार समझ में आता है, पिता का व्यवहार समझ में आता है, पिता का दुलार समझ में आता है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये दो चीजें आती है, खेसारी भैया किसी और का प्रेम समझ में क्यों नहीं आता है कि हम उसको बड़ा हल्के में ले लेते हैं कि नहीं यार इस आदमी की अहमियत मेरे जीवन में नहीं। इस दुनिया में हर आदमी की अहमियत आपके जीवन में है, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से खेसारी को 10 बुरा बोलते हो, तभी आपने अपना इनपुट दिया है। बुरा बोलने के लिए भी तो भाई इनपुट लगता है ना, किसी को गाली देने के लिए भी एनर्जी तो लगती है, तो आपने बुरा बोल के ही कम से कम खेसारी के 10 बार नाम लिया, तो आपने प्रमोट ही किया मुझे। ऐसा नहीं, मैं किसी को गलत इसलिए नहीं बोलता हूँ कि भाई वो अपना मेहनत तो कम से कम मेरी बुराई खोजने में लगाता है ना, ये कम थोड़ी है, वो तो बधाई के पात्र है कि कम से कम खेसारी के अंदर 10 बुराई ढूंढ रहा है, वो कोई मामूली आदमी नहीं है भाई, उसको एकदम अवार्ड देना चाहिए। अच्छा भैया आप कह रहे हैं कि मेरा गाना नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी गाना आ रहा है वो 100 मिलियन क्रॉस हो जा रहा है। देखिए तो प्यार है ना, वो तो लोगों का मोहब्बत है कि खेसारी अगर खोक भी देता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो इसलिए मैं ज्यादा खोकता नहीं। रक्षा गुप्ता के लिए क्या कहिएगा भैया, वो भी पोस्टर पे नजर आ रही हैं। देखिए दोनों, मैंने क्या बोला, पहले ही आपको बोला कि दोनों बहुत अच्छी अदाकारा है, दोनों अच्छे नेचर से है, दोनों अच्छी गुड डांसर गुड एक्टर, और हमारे पंकज सिन्हा जी ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है सिनेमा को, और इसमें गाने भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। हमारे विनोद मिश्रा जी को आप लोग जानते ही होंगे, जो मेरे फादर के करेक्टर में हमेशा रहा करते हैं। गाना थोड़ा गुनगुना दीजिए सर। कौन लोग को अच्छा ही बता बोलो, तू लोग कहे लगे भाई अश्लील बा, हाउ अश्लील बा, फरमाइशी क्यों ची कहले कमर की कमाई, कमर की कमाई खा के हो गेलु राजा। बात बात बता, अब एक मार्केट आप सबको बता देना चाहता हूँ।